हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी मस्त। और आज सुबह सुबह उठ गया और आज है फुल दिल्ली। तो सुबह क्या उठा, मतलब यार 7:30 हो गए हैं, एक बच्चा तो फूल डाल के भी चले गए और मैं उठाई नहीं हूँ। ऐसी कंडीशन हो रही है। मैं 9 बजे 8:30 ऐसे ही उठता हूँ, कभी 10 बजे भी उठता हूँ, पर आज थोड़ा जल्दी उठ गया। मम्मी ने दरवाजे में खड़ 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 खटकाया, क्योंकि बहुत जोर से मारा, तब जाके मैं उठाऊँ। और अब उठ के बाहर घूम रहा हूँ और मम्मी कर रही है पूजा मंदिर में। यार आज मम्मी हो गई लेट नाश्ता बनाने में। मैंने तो शाम की रोटी खाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे रोल बना के मज़ा आ जाता है। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं ऐसे खाने में। और आलू के पराठे हमारे भाई साहब बना रहे हैं, अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। मम्मी पूजा में लगी हुई है, मम्मी आज बड़ा खुश है। और मैं पराठा, मतलब पराठा नहीं, रोटी खा रहा रोल करके। इसमें सब्जी डाल रखी मैंने अंदर से, है ही हो रहा है, मतलब टेस्ट आ रहा है। ये देखो फूल डाले हुए हैं, इस तरह से हमारे घर में फुलदेली मनाते हैं। और इस गेट पे भी पड़े हैं और इधर भी पड़े हैं, देखो हल्के हल्के फूल जो दिख रहे हैं आप लोगों को। आजकल फूल भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, टूट के भी नहीं मिलते हैं फूल भाई। और इस तरह से सारे दरवाजों में फूल पड़े रहते हैं, मतलब ये डालते हैं बच्चे। और यहाँ देखो इनको गुड़, चावल और थोड़े से कुछ शगुन दिया जाता है, जिसके बाद पैसा हो, टॉफी हो, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, पैसा ये देशी लोग अपना करते, पहाड़ी लोग जो होता है अपना भूल जाते नियम धर्म से। अच्छा अच्छा, अपने नियम धर्म के हिसाब से दिल में फूल खिलन, कन्याओं को थोड़ा बहुत दक्षिणा दे दो, उनका दिल खुश कर दो, बड़ी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटिवेशन वाली स्पीकर बन गई मम्मी तू। और पराठे बनाने में ध्यान नहीं दे रहा, मैं खाऊंगा कैसे? नहीं मोटा तू ही खाएगा, तूने ही डाला है उसके अंदर। वो बड़ा भी बन गया ना मेरे से ज्यादा। अच्छा ठीक है, आलू तेरे से ज्यादा डाला है मैंने, उसमें कमी निकाल ली है। चम्मच से डालूंगी करके, तो थोड़ा डाला है मैंने, तो बहुत डाला आलू। उतना ही डालना है ना वीर, तुझे क्या पता फिर आलू के पराठे में आलू नहीं पड़ेगा। इसी को फिर ज्यादा बाहर निकल, बेचने के लिए छोड़ना है आलू के पराठे, ये खाने के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं। बेचने वाले में होता है थोड़ा सा, खाली लिसाल करते हैं, बस हो गया। चाय भी बना देना, चाय के साथ खाऊंगा मम्मी। ये देखो आज हमारी मम्मी आलू के पराठे बनाना सीख गई है, परफेक्ट वाले। अरे मम्मी बनाना सीख गई है, मम्मी तो पहले से ही बनाती थी, खाई नहीं क्या आता? आज तक नहीं खाया कुछ, मम्मी का आता जो आज सीख गई तेरी मम्मी। बोल बोल। ये मम्मी उन्हें पर रखता पत्तो बोल बोलना, हमारा उठने रहने भैया थाड़ को है कसका हूँ। आज है फुलदली का पर्व और आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां वो आते हैं फूल डालने के लिए, लड़के भी आते हैं। और लड़कियां ज़्यादा आती हैं, लड़कियों का शुभ माना जाता है। और मम्मी बना रही है आलू के पराठे, तो मैं हो गया हूँ रेडी पराठे खाने के लिए नाश्ता। और क्योंकि पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो और दिन से मैं जल्दी कर लेता था 7:30 तक, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो आप करते हैं चाय के साथ नाश्ता और फिर मज़े करते हैं। गाइस ये मेरा नाश्ता, ये है चाय, चाय पत्ता पीता हूँ नाश्ते में। और ये कल शाम की सब्जी, आलू और ये कुछ, इसको हम बबला बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या बोलते हैं, अचार, मिर्चा और आलू के पराठे, और उनको खाते और मजे करते हैं। तो गाइज मैं तो चल दिया हूँ भाई को पहुँचाने, नाश्ता वास्ता कर लिया है और भाई जा रहा ट्रक में, गाड़ी में, मतलब अपने। तो चलते हैं खटीमा, दिखाते हैं आप लोगों को रास्ते का ओवरव्यू। तो को और मेरी गाड़ी का भी काम है, वो भी दिखाते हैं आप लोग। तो खुश क्यों हो रही इतना, पप्पा तो जा रहे हैं तेरे। अरे बस छुप जा, बस रिया आजकल हमारी घर नहीं आ रही है, गुस्सा है घर वालों से इसलिए। और इसको देखो ये कैसे चिपकी है, ये क्यों चिपकी है ऐसे? जी क्यों कर रही इतनी शैतानी दीसु तू? ये देखो दीसु की हालत, ये देखो तू सुन के पड़ी है।
खटी में आते ही मैं पहले गया बच्चों से मिलने के लिए, और आप लोगों ने जो देख दिया होगा, और रिया और दीसू से मिलने के लिए और भाभी के रूम पे। उसके बाद मैं आया सॉकर सही कराने, क्योंकि सॉकर लीकेज हो जाते हैं। हमारे यहाँ का रोड बहुत ख़राब है, आप लोगों ने ब्लॉक में देखा ही होगा। ये है टनकपुर रोड में आया हूँ। और इसके बाद गया मैं इंजन ऑयल और फिल्टर वगैरह लेने के लिए। ये है बालाजी, ये पीलीभीत वाली रोड पर पड़ता है हनुमान मंदिर के बगल में। यहाँ काफ़ी चीप रेट पर मिल जाता है, और मेरे को वैसे 1050 का मिला था, यहाँ 750 का मिला इंजन ऑयल, और फिल्टर भी सस्ते मिल जाते हैं। मेरे को टोटल सामान 950 का मिल गया था, तो मैं इनको लेके सटपट से घर के ओर निकल जाता हूँ। यहाँ से बहुत जोर की भूख लग गई थी, घर में आते ही मैंने भात और पलेव खाया। उसके बाद शुरू हो गया मैं अपनी इंजीनियरिंग करने में, क्योंकि इंजन ऑयल ड्रेन किया मैंने सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। देखो कितना कम आ रहा है, और फिर दूसरी जगह से करूँगा अभी थोड़ी देर में। और इंजन ऑयल और फिल्टर चेंज करने के बाद मेरी गाड़ी हो गई झमाझम और थोड़ा चमक गई है। मैंने साफ सूफ भी कर लिया है, उसे मैं बहुत कम साफ़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ रोड बहुत गंदी है, तो धूल दूसरे दिन ही बैठ जाती है, मन नहीं करता बिल्कुल भी सफाई करने का। अभी तक था मैं रेस्ट में, काफ़ी लेट काम शुरू करा मैंने, क्योंकि 1 घंटा मैंने रेस्ट करा। 2:30 बजे मैं पहुँचा वहाँ से खटीमा से, फिर उसके बाद रेस्ट करा, फिर उसके बाद ये काम शुरू करा गाड़ी का। अब चलते करके चला है, रोज़ की तरह चक्का मारो भाई। स्पेशल खिलाड़ी हैं। अरे यार भाई करण, फेस का इम्प्रेशन देखो भाई का, झटका लग गया बहुत बड़ा। करण दा कुछ बोलना चाहोगे? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।